नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इंटरनेशनल फ्लाइटों की आज की इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि इंटरनेशनल फ्लाइटों से क्या क्या जरूरी अपडेट सामने आ रही है। तो सबसे पहली खबर यहाँ पर गोवा एयरपोर्ट को लेकर जान लेते हैं। आपको बता दें कि जो लोग भी गोवा में घूमने के लिए आना चाहते हैं, खास करके इंटरनेशनल फ्लाइटों से, तो ऐसे सभी लोगों को अब यहाँ पर गोवा एयरपोर्ट पर आने के बाद कंपल्सरी कोरोना वायरस का जाँच किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले गोवा एयरपोर्ट पर यह नियम था कि जो लोग रिस्क वाली कंट्री से ट्रैवल करके गोवा में आ रहे हैं, केवल ऐसे लोगों का ही कोरोना वायरस का टेस्ट किया जाता था। लेकिन अब यहाँ पर गोवा की सरकार ने ये नियम कंपलसरी कर दिया है कि जो भी इंटरनेशनल फ्लाइटों से ट्रैवल करके गोवा एयरपोर्ट पर आएंगे, ऐसे सभी लोगों का अब यहाँ पर गोवा में कोरोना वायरस का जाँच किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, एक और बड़ी अपडेट यहाँ पर यूएस की तरफ से आ रही है। यूएस की गवर्नमेंट ने यहाँ पर ये जानकारी दी है कि बीते कल तकरीबन 1200 फ्लाइटें कैंसिल हो चुकी है। आपको बता दें कि ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए यहाँ पर दुनिया के कई सारे देशों ने इंटरनेशनल फ्लाइटों को बंद करना चालू कर दिया है, जिसमें कि अब तक 14,000 फ्लाइटें कैंसिल हो चुकी है, जिससे कि इन फ्लाइटों से ट्रैवल करने वाले लोग काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों, एक और जानकारी आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहेंगे कि अब भारत में भी इंटरनेशनल फ्लाइटों के ऊपर रोक लगनी शुरू हो चुकी है। अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से इसको लेकर कोई भी नियम नहीं बनाया गया है, लेकिन राज्य सरकारें अपने तरफ से ही नए नए नियम लागू कर रही है। जैसे कि बीते कल यहाँ पर वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने यूके से आने वाले सारे पैसेंजर्स के लिए इंटरनेशनल फ्लाइटों को बंद कर दिया है, और अब इसको देखते हुए इसी तरीके का रिस्ट्रिक्शन अब भारत के दूसरे राज्य भी लेने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों, एक और नई खबर यहाँ पर पायलट्स को लेकर आ रही है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा कि भारत में 2022 से दो नई एयरलाइंस कंपनियाँ अपनी फ्लाइटों को चालू करने वाली है, जिसमें कि पहली एयरलाइंस कंपनी जेट एयरवेज है और दूसरी एयरलाइंस कंपनी आकाश एयरलाइंस है। तो इन दोनों एयरलाइंस कंपनियों को अपनी फ्लाइटों को चालू करने के लिए पायलट्स की ज़रूरत होगी, लेकिन भारत में इस समय पायलट्स की काफ़ी ज़्यादा कमी पाई जा रही है। इसके साथ साथ दोस्तों, एक और बड़ी खबर यहाँ पर वैक्सीन को लेकर आ रही है। तो भारत बायोटेक की तरफ से ये जानकारी शेयर की गई है कि भारत की कोवैक्सीन यहाँ पर बच्चों के लिए पूरे तरीके से सुरक्षित है, क्योंकि उन्होंने खुद यहाँ पर इसका ट्रायल 2 साल से लेकर 18 साल के बच्चों के ऊपर कर लिया है, और रिजल्ट में उन्होंने ये पाया है कि ये वैक्सीन पूरे तरीके से बच्चों के लिए सेफ है। इसके साथ साथ दोस्तों, एक और बड़ी अपडेट यहाँ पर भारत में ओमिक्रॉन के केसेस को लेकर जान लेते हैं। तो आपको बता दें कि भारत में भी यहाँ पर ओमिक्रॉन से पहली मौत हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में एक युवक जिसकी उम्र 52 साल की थी, उस व्यक्ति को ओमिक्रॉन हो चुका था, लेकिन अचानक से हार्ट अटैक आने की वजह से उस व्यक्ति की मौत हो गई। आपको बता दें कि इस समय ओमिक्रॉन के जो सबसे ज़्यादा केसेस रिपोर्ट किए जा रहे हैं, वो दिल्ली और महाराष्ट्र में ही किए जा रहे हैं, जिससे कि अब यहाँ पर भारत में भी ओमिक्रॉन से लोगों की मौत होनी शुरू हो चुकी है। तो दोस्तों, ये सारी लेटेस्ट अपडेट आ रही थी इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से, जिसकी जानकारी आप सभी लोगों को इस वीडियो में मिली है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, और ऐसी और लेटेस्ट खबरों को यदि आप रेगुलर बेसिस पर जानना चाहते हैं तो चैनल को जरूर फॉलो करके रखें।